अंकल जी मेरे लड़की खत्म हो गई। कल तो 10:30 बजे थी वो। कल शाम को 6 बजे। एक दुखद खबर ओम शांति जरूर लिखिएगा। एक 12 साल की बच्ची की जान चली गई। एक परिवार ने एक बच्चे के लिए साड़ी से बंधा हुआ झूला बनाया था। क्या पता था कि वही झूला जो है वो कहीं ना कहीं आज मौत का कारण बनेगा। क्या कुछ परिवार वालों का कहना है, इनसे बातचीत करेंगे। अब आप घबराए नहीं, क्या पूरी बात थी ज़रा बताएं आप। बच्चे का नाम नाम क्या था? बच्चे का नाम वंदना। वंदना था। कितने साल, 7 साल की थी? 12 साल। 12 साल की थी। तो मतलब कैसे आपने क्या साड़ी से बनाया हुआ उसका झूला बनाया हुआ? झूला बनाई थी साड़ी से। तो कितने बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर? दो बच्चे, मेरा एक लड़का एक लड़की खेल रहे थे दोनों। अच्छा। वो खेल रही थी ना, मैं बोला अभी बच्चे से मेरा खेल रही है, तब तक मैं अपनी कोठी से काम करके आ जाती। तो कितने घंटे के लिए आपने रखा था बच्ची को अकेला? कितने घंटों के लिए रखा था बच्ची को अकेला? 10 मिनट नहीं हुए। 10 मिनट में ही हुआ है सर? 10 मिनट में हो गए अंकल जी। अंकल जी मेरे लड़की खत्म हो गई। कल तो 10:30 बजे थी वो। कल शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे मेरे लड़की खत्म हो गई अंकल जी। तो देखिए जनाब, बहुत दुखद पल रहते हैं जब इस तरह की खबरें जो हैं वो आम जनता तक लेके आते हैं। क्या पता था कि खेलते खेलते ही बच्चे की जान चली जाएगी। देखिए माँ का रो रो कर जो है वो जनाब बहुत बुरा हाल है। इसलिए कभी भी आप ऐसी चीज़ बच्चों के आगे ना रखें, क्योंकि बच्चे हैं उन्हें क्या पता। आप पिताजी जी सर जी भाई आगे क्या 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 बताएं बता। नहीं, किसके साथ लड़की हुई नजर आई? दुपट्टा पहले बांधा हुआ था या खुद बांधा हुआ उन्होंने किसी के साथ? नहीं, वो बांधे हुए थे सर। अच्छा, पहले का बांधा हुआ था? बांधा हुआ था ना, उसमें मेरे बच्चे, दोनों बच्चे उसी पे खेलते थे। तो घर में कोई नहीं था? और वो थी उस टाइम तो सब कोई नहीं थे सर। अच्छा। जब बच्ची के साथ ऐसा हादसा पेश आया तब बच्ची अकेली थी? नहीं, मेरा एक लड़का है छोटा है, उससे भी एक छोटा है। उससे भी छोटा है? वो लगभग कितने साल का है? वो 8 साल का होगा। 8 साल का जी। तो वो बच्चे ने कुछ बोला कि कैसे क्या हुआ? नहीं, वो उसको झुला रहे थे। अच्छा। उसको झुला रहे थे, नहीं होते बच्चे समय। हाँ, उसको, तो उसको झुला रहे थे जी। झुलाते झुलाते मतलब साड़ी गले में फंस गई? गले में फंस गया। जब झुलाया ना तो उसको ना जो साड़ी ना ऐसे ऐसे नचने लगे, नचते 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 उसको गला दबा गया। और मेरा छोटा वाला लड़का उसे कैसे संभालेगा, वो चिल्लाने लगा। जब तक अगल बगल के पड़ोसी दौड़े, जब तक उसका तो सांस आधा खत्म हो गया था जी, ख़त्म हो गया था। तो गाड़ी वाले, हम लोग का वहाँ जल्दी गाड़ी मिलते नहीं सर, तो गाड़ी वाले को लाए, गाड़ी में उसको लोड किए, लाते लाते जब तक रास्ते में वो जम्मू में। कहाँ रह रहे हो आप सर? हम रहते हैं कबीर कॉलोनी। कबीर कॉलोनी जी, पूंछ हाउस से नीचे जाते हैं कभी, वहाँ पर सर रहते हैं। तो कभी सोचा था कि झूला झुलाने वाला कभी मौत का कारण बनेगा? ये कल ही नहीं सर, वो झूला बांधा, वो तो सब मेरा बच्चे उस पर खेलते थे जी। अचानक पता ना भगवान जाने क्या हुआ उस दिन। आप क्या काम करते हैं सर? हम दिल्ली में सर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। तो ऐसे आप कहाँ से हैं? आप सर बिहार से। बिहार से। तो जम्मू में कितना समय हो गया आपको? सर मेरा यहाँ, हम तो 2.5 साल से थे सर। 2.5 साल, ये 2.5 महीने के लिए सर हम जम्मू गए, दिल्ली गए थे सर। ठीक जी। हम यहीं रहते थे सर, पूरे फैमिली अपना साथ में यहीं पर रहते थे। चलिए, अपनी वाइफ को संभालिए, वो काफ़ी रो रहे हैं। तो देखिए बहुत ही दुखद रहता है जनाब जब इस तरह की खबरें जो है हम लेके आते हैं। दलोत्रा साहब, किस तरह से देखते हैं कि बच्चे की डेथ हो गई जी? तो कल नवरात्रा था, दूसरा नवरात्रा था, माता वैष्णो देवी के नवरात्रे थे। और ये जो हमारे हिंदू समाज में कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं 12 साल के, 14, 15, 18 साल से कम का, उनको हम कंजक का रूप देते हैं, एक ये चीज़। और दूसरी चीज़ जो है कि माता रानी भी झूले झूलती थी, वो भी माता रानी को भी बड़ा था। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा लोगों को कि ओम शांति भी लिखें और जय माता दी भी लिखें नवरात्रे का। और कहीं ना कहीं परिवार वालों को क्या कहना चाहिए, जो बच्चों को ध्यान रखें? जो परिवार के लोग हैं ये तो एक कई कारण बनते हैं, जैसे ये लेबर के लोग होते हैं, कई बार रोड पर इनके बच्चे रेत पर ही खेलते रहते हैं, खेलते खेलते रोड पे आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, जख्मी हो जाते हैं, डेथ भी हो जाती है।
और कई बार हमने ये भी सुना कि बच्चे खेलते खेलते पानी में डूब गए। एक घटना हमने देखी थी कि रात को माँ बाप सोए हुए थे, बच्चा खेलते खेलते टब में गिर गया, उसकी डेथ हो गई। तो ये अपील करेंगे कि जो काम करना है ना, वो तो हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ही करते हैं ना, तो काम के बगैर भी सर्कल नहीं चलता, नहीं चलता। लेकिन ये है कि काम भी करना है, लेकिन उससे पहले जो अपने बच्चों की सेफ्टी है ना, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ये बच्चे झूल रहे थे तो माँ बाप अगर देख रहे होंगे तो कितने खुश हो रहे हैं कि ये बच्चे हमारे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। इनको ये नहीं पता था कि जिस साड़ी से उन्होंने झूला बनाया हुआ है, वही साड़ी का फंदा बन जाएगी। तो अब जहाँ पे फॉर्मेलिटी हो रही है, पोस्टमार्टम होगा, इनका फॉर्मेलिटी से चल रही है, चूँकि ऑफिसर मौके पे पहुँच गए हैं, तो अब इनका शव इनको दे दिया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। और माता रानी से ये भी दुआ करेंगे, अपील करेंगे, हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि बच्ची को आत्मा की शांति हो और अपने चरणों में जगह दे माता रानी, और जो इसके पीछे भाई बहन माँ बाप रह गए हैं उनको भी इस दुख की घड़ी में उबरने की शक्ति दे। चलिए देखिए।